सभी पितरों को नमन। पितरों के द्वारा ही हमारा जीवन है। पितृपक्ष में क्यों सुना जाता है भगवद गीता का 7वां अध्याय, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं, वो गीता का 7वां अध्याय आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। ये जरूर सुनना चाहिए सभी को, खास करके पितृपक्ष में सुनने से सभी पितरों यानी कि माता पिता के पिताजी और दादाजी, खानदान में जितने भी लोग हुए हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है और उनके प्रति हमें श्रद्धा व्यक्त भी करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमारा जीवन आ पाया है। जो भी अच्छा बुरा हमारे पास है आज के डेट में, वो सब उनकी बदौलत है। अगर वो नहीं होते तो कल्पना कीजिए हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। जय पितृ देवता की, कमेंट में भी जरूर एक बार लिखिएगा। आइए जानते हैं गीता के 7वें अध्याय को सुनते हैं, जिससे कि पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितृ पक्ष में अगर आप भगवद गीता का 7वां अध्याय सुनते हैं तो पितृ मोक्ष और पितृ दोष समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। दोस्तों, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः मंत्र पितृ आत्मा की शांति के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। हर दिन इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करना चाहिए। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था पितृपक्ष में सुने जाने वाले प्राचीन कथाओं के बारे में। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में वीडियो है भी, आप जा करके देख सकते हैं, जिसे सुनने मात्र से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमारे जीवन से पितृ दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। भगवद गीता के पाठ से भी पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। आज के इस वीडियो में भगवद गीता का 7वां अध्याय सुन रहे हैं हम सभी। गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाया था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ आपको, जिसे सुनकर कानों में अमृत रस भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर यानी कि द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकर नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर के बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर के राजाओं को ही भोज दिया करता था, यानी कि सिर्फ राजाओं को ही। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर के उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि इत्यादि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य होने लग गई। इसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। जी हाँ, फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर के पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर के अपना मनोभाव बताया उनको। तब उनके पुत्रों ने सवेरे उठकर के बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुंडाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन की स्थिति का और जगह का ठीक तरीके से पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंच करके बॉबी को खोदना स्टार्ट किया। तब उस बॉबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला,
मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर के यहाँ पर स्वर्ण लेने के लिए आया हुआ हूँ, यानी कि यहाँ पर जो स्वर्ण पड़ा हुआ है उसे लेने के लिए आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर के वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार से स्पष्ट बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़ करके आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़ करके मुझे मुक्त करने में तीर्थ दान तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का सातवां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु इत्यादि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र मेरे श्राद्ध के दिन गीता के सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना, ज्ञानी जो ब्राह्मण हो उनकी इज्जत करना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार और उससे भी अधिक सब कुछ किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी उन्होंने बनवाया। इसके बाद सातवें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें सातवें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों कहते हैं जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण श्राद्ध इत्यादि नहीं कर पाते हैं, इस दिन पितरों की शांति के लिए गीता के सातवें अध्याय का पाठ जरूर सुनना चाहिए, उसका फल अपने पितरों को प्रदान करना चाहिए। ये पितृपक्ष में रोज सुन सकते हैं एक बार। आइए अब ज्ञान विज्ञान योग सातवां अध्याय जो है गीता का, उसका श्रवण करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य इत्यादि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार से संशय रहित जानेगा उसको सुनो। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जान करके संसार में फिर से कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपापरा अर्थात चेतन प्रकृति जान की, जिससे वह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा और अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, यानी कि संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे अलग दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओम मैं हूँ, ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ, यानी कि जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूँ, तथा
तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल यानी कि सामर्थ्य मैं हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल यानी कि शास्त्र के अनुकूल काम मैं ही हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप यानी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता है। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं यानी कि संसार से तर जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते हैं कभी भी। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं यानी कि श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं यानी कि पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी हों और जैसे ही भजें, अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते हैं यानी कि मुझको जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष कभी नहीं जानता न जान पाएगा। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख इत्यादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष इत्यादि जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जो मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष
उस ब्रह्मा को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, यानी कि मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक सातवां अध्याय संपूर्ण होता है। तो आप सभी के लिए ये मुक्तिदायक, मोक्षदायक होता है, जरूर सुनना चाहिए इसको। खास करके श्राद्ध होता है, तो श्राद्ध शब्द का जो अर्थ है वो होता है श्रद्धा, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखना, और उनकी मुक्ति के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही गीता के अध्यायों को और सरल रूप में आप अगर समझना चाहते हैं तो कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए गीता के सभी अध्यायों को स्टेप बाय स्टेप, श्लोक बाय श्लोक जरूर बताएंगे, क्योंकि आज सबके पास समय नहीं होता है कि गीता का पाठ कर सकें, पढ़ सकें, लेकिन कम से कम श्रवण करके समझना बहुत जरूरी है, हमारे पूरे जीवन काम आता है, और प्रीतरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम हैं। आप कड़ी, हमने बोला था अभी कि सोच करके देखिए एक मिनट आँख बंद करके, कि हमारे जो पितर हैं यानी कि पूर्वज हैं वो न हो, उनमें से एक भी कोई न हो, तो हमारा अस्तित्व आज होता क्या? नहीं है। तो इसीलिए अपने पितरों को याद करें, और पितरों को याद करते हुए उनको नमन जरूर करें, प्रणाम जरूर करें, कमेंट में भी जरूर लिखें आप अपने पितरों के लिए एक बार सभी पितृ देवताओं को प्रणाम, और इस प्रकार से जीवन से मुक्ति मिलती है सभी को। गीता का पाठ और श्रवण जरूर करना चाहिए। फिलहाल आज की ये वीडियो रही, ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।